जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार विधान परिषद वेरियस पोस्ट भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप यहां पर 172 पदों का इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है। तो एक लाइक तो बनता है। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 172 आपके पद है, कौन से एडवर्टाइजमेंट में किस कैटेगरी से अप्लाई करने पर क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे ये भी आप यहां पर जान लीजिए। इसके अलावा आप लोग फॉर्म को 21 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे, कौन सी पोस्ट को किस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर रखा है और उसके लिए कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए उस पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, वो सब जानकारी आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और सभी एडवर्टाइजमेंट पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग लिंक दिया है। जैसे कि अगर आपको अप्लाई करना है ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट पर तो आप इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको यहां पर अप्लाई करना है डीईओ की पोस्ट पर या फिर सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर तो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 ओपन करना है अप्लाई करने के लिए, एंड डीईओ की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 ओपन करना होगा। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अभी मैं यहां पर आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2023 है, इस पर जिस पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर क्या करेंगे गाइज, अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज, यहां पर आपको मैं बता दूं कि आप जिस भी एडवर्टाइजमेंट पर अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो वैकेंसीज है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहां पर ये ऑफिस अटेंडेंट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन गाइज आपको यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, फिर आप अपना नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद में आप यहां पर फादर नेम एंटर करेंगे, मदर नेम आपको यहां पर देना है, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो फिर आपको यहां पर आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है और फिर इसके बाद में आपका डेट ऑफ इशू देना है एंड किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जैसे कि आपका जो सर्टिफिकेट है ये आपका नॉर्मली SDM तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट इनके द्वारा जारी किया जाता है, CO के द्वारा भी किया जाता है। तो किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसकी उस अथॉरिटी का नाम यानी कि उसकी पोस्ट का नाम आपको यहां पर देना है। इसके बाद गाइज आप यहां पर जो आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जनरल है तो यूआर, एंड अगर आपकी कोई अन्य कैटेगरी है जैसे कि SC या फिर EBC तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो आप यहां पर सर्टिफिकेट नंबर देंगे, डेट ऑफ इशू देंगे और किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस अथॉरिटी का नाम भी आप यहां पर दे देंगे, जैसे कि अभी आपने आपकी डोमिसाइल की जानकारी देते हुए दिया है। इसके बाद जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है, क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसने कि 3 कंटिन्यूस सर्विस की है गवर्नमेंट के अंदर, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, नहीं तो यहां पर भी नो कर दीजिए। क्या आप एक फ्रीडम फाइटर है यानी कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइस यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ है आपको बतानी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। इसके बाद गाइज आप यहां पर आएंगे और अब आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर देना है, अपना मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी दोबारा डाल करके वेरीफाई करनी होगी, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, अगर आपको जो हिंदी एंड इंग्लिश के नॉलेज है पढ़नी आती है, लिखनी आती है, चाहे बोलनी आती हो ना आती हो, बट ये तो आपको आनी ही चाहिए, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको साइकिलिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद डू यू प्रोसेस लाइकली टू प्रोसेस ऑन और बिफोर द एडवर्टाइजमेंट डेट ऑफ ऑल एसेंशियल एंड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं क्या इस पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपके पास है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए। इसके बाद यहां पर आप टिक करेंगे एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या
क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले पर दी गई है और बाकी की जानकारी भी आपके यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आती है। अब आपको यहाँ पर आपको रेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी देनी है। तो जो आपका एड्रेस है वो आप लाइन फर्स्ट और टू के अंदर लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का। फिर यहाँ से आपकी जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तो जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन जो आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देन गाइज आपकी कंट्री इंडिया रहेगी और पिन कोड आपका जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, तो मैरिटल स्टेटस आपको बताना कि आप मैरिड है, अनमैरिड है या फिर अदर है, तो जो भी स्टेटस है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपका क्या है, कोई एक आईडी आपको इनमें से सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर फिर आपको यहां पर देना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन है। और फिर विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी पर कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है बट परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी पर कोई परमानेंट मार्क कहीं पर भी नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद एडिशनल डिटेल में पूछेगी कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज है या हुआ हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके ऊपर कभी कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल आ चुकी है, तो यहां पर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की जानकारी मांगी है, तो आप नेम ऑफ स्कूल के अंदर बताएंगे कि कहां से आपने आपकी दसवीं की है, उस स्कूल का नाम। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्कीम ऑफ मार्किंग में आप बताइए परसेंटेज के अंदर थे या फिर सीजीपीए, तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूं। फिर आते हैं मार्क्स ऑब्टेंड, तो कितने नंबर आपको आए थे वो आप डालेंगे, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिनकी परसेंटेज 60 प्लस होती है वो फर्स्ट डिवीजन कहलाए जाते हैं और जिनकी परसेंटेज 45 से 59 के बीच में होती है वो सेकंड डिवीजन आते हैं और उससे कम वाले थर्ड डिवीजन वाले होते हैं। तो आप यहां पर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दूसरे में या तीसरे में या पहले में, तो जिस पर कि 12वीं की जानकारी भी मांगी है और डिग्री की, तो उनको यहां पर नीचे की तरफ अपनी 12वीं की और डिग्री की जानकारी सेम वे में देनी होगी जैसे कि अभी आपने 10th की दी है। तो चलिए अब मैं यहां पर नेक्स्ट कर देता हूं। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड, तो स्कैंड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जो कि कलर में होना चाहिए, साइज 50 से 100 के भी रखा है, तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। सेम वे में आप यहां पर आपका सिग्नेचर हिंदी के अंदर अपलोड करेंगे जिसका साइज 10 से 20 केबी के बीच में रखा है, तो जहां पर भी आपका साइन है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहां पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो एक मैं रैंडम फाइल सेलेक्ट किया हूं और फिर मैं इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर फाइल आ जाएगी। देन अब आप सेम वे में आपका जो इंग्लिश का सिग्नेचर है जो आपने इंग्लिश में किया वो फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहां से आप इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आप यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी फाइल ये वाली भी यहां पर आ जाएगी। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक कर लीजिए, यहां पर टिक कीजिए एंड देन आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इंस्ट्रक्शंस है, आप इन सभी को चेक करते हुए यहां पर टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर गाइज अब आपके सामने आपका ऑप्शन आ चुका है फीस को जमा करने का। आप यहां पर जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि कार्ड, यूपीआई या फिर स्कैन क्यूआर, तो जिस भी माध्यम से करनी है वो आप जमा कर दीजिए। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। सो गाइज इस तरह से आप लोग बिहार विधान परिषद भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।